सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस की एक दिवसीय बैठक संपन्न। आज गिरिडीह के खंडोली पर्यटन स्थल में जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस की एक दिवसीय बैठक आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जनाब आबिद अली, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के महासचिव डॉक्टर मनोन साहेब, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, प्रदेश सचिव मोहम्मद जैनुल अंसारी शामिल हुए। साथ ही कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जमताड़ा, दुमका और देवघर के जिला अध्यक्ष भी शामिल हुए। बताया गया कि इस बैठक में जिला कमेटी का विस्तार व प्रखंड कमेटी का गठन किया जाएगा, साथ ही पार्टी को मजबूती देने पर चर्चा किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में हसनैन आलम, शहनवाज समीम, पांचू मियां, खुर्शीद अनवर सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। गिरिडीह से चंदन पांडे की रिपोर्ट। मेहमान लोग आए हुए हैं, कॉन्फ्रेंस के झारखंड के अध्यक्ष, सचिव, राष्ट्रीय सचिव और उस जिले के अहदेदारान सब लोग यहाँ पर जुटे हैं। कुछ अपनी बातें रख रहे हैं, बातों का मंथन हो रहा है और कुछ फलाफल इसका निकलेगा निश्चित रूप से। जो भी यहाँ पर डिस्कशन के बाद जो बात होगी वो हम लोग राज्य सरकार के सामने मसौदा बना करके देंगे कि बहुत सारी ऐसी फैसिलिटियाँ हैं जो मोमिन्स को, माइनॉरिटीज को, जिससे वंचित है आज के दिन, जो मिलनी चाहिए थी और जो दूसरे राज्यों में जहाँ जहाँ सेकुलर स्टेट्स है, सेकुलर गवर्नमेंट है, वहाँ मिल रही है, यहाँ पर कुछ नहीं मिल रही है। तो उसको कैसे लागू किया जाए, सरकार पे दबाव बनाया जाएगा, इन सब बातों को लेके आज हम लोग यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। और जो भी इसका बैठक करने के बाद जो निर्णय होगा, जो फैसले होंगे, उसे राज्य सरकार को हम लोग अवगत कराएंगे। मोमिन कॉन्फ्रेंस की बैठक हो रही है जिसमें गिरिडीह के साथ साथ दुमका, देवघर, हजारीबाग, रांची के लोग हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज की बैठक में मोमिनों की, दलितों की, पिछड़ों की और समाज के कमजोर वर्गों के हित में क्या क्या होना चाहिए, हम इनके उत्थान के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर चर्चा हो रही है। आने वाले समय में मोमिन कॉन्फ्रेंस का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर मोमिनों से संबंधित, अकलियतों से संबंधित जो बोर्ड निगम कमेटी है उसकी गठन की मांग करेगी। जैसे 15 सूत्री कार्यक्रम, वक्फ बोर्ड, हज कमेटी, अल्पसंख्यक वित्त व विकास निगम, उर्दू एकेडमी, मदरसा शिक्षा बोर्ड, कई ऐसे हैं जिस पर सरकार एक साल में गठन नहीं कर पाई। कोई भी वजह हो, हम सरकार से मांग करेंगे कि इस पर ध्यान दें।